और आप ये देख सकते हो मोटर है तो हमने किस तरह इस्तेमाल करना है ये देख सकते हो इस तरह वो दे सकते हो कितने दूर तक प्रेशर है इसके। हेलो दोस्तों, तो आज क्या है फिर नवी वीडियो में आपका स्वागत है। तो होली आ गई, आपको पता ही है जैसे, तो आप सबको हैप्पी होली। तो आज हम दिखाते हैं आज हमने क्या बनाया हुआ है, तो आइए चलिए दिखाते हैं। हेलो दोस्तों, जैसे देख सकते हो हमारे पास ये वाटर पंप है। तो ये होती है वाइपर मोटर जो अपनी लगी होती है कार में। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो अच्छी प्रेशर होती है इसमें। तो आप ये देख सकते हो पुश स्विच है और अपने पास एक 5 लीटर की कैन है और ये लिथियम बैटरी है जिससे हमने 12 वोल्ट बनाया था, 12 वोल्ट की बैटरी। अब ये पंप वम्प सारा सामान हमारे पास है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने होल करना है एक, तो हम इसको गरम सोल्डर करके उससे करेंगे। देख दो दोस्तों, हो गया दोस्तों, सो हमने कर लिया। ज़्यादा लूज नहीं रखना, थोड़ा टाइट ही रखना। अब देख सकते हो दोस्तों, पाइप में हमने प्लास्टिक का बूस लगा रखा है ताकि दबे ना। अब ये देख सकते हो हमने अच्छे से टाइट फिटिंग हो गई दोस्तों। बूस रखने का ये फ़ायदा, उसमें हम चाहे तो पाइप भी ऐसे लगा के हमने ग्लू गन से जोड़ना तो है ही है, लेकिन ग्लू गन से जोड़ते समय हम जोड़ लेंगे, लेकिन थोड़ी सी इधर उधर होगी ना तो पाइप जो है दब के निकल जाएगी। अब देख सकते हो 12 वोल्ट की बैटरी है, हमने इस जगह लगाना है। इसके साथ ही हमने दोस्तों बड़ी बैटरी इसलिए लगाया ताकि थोड़ा पावर ज़्यादा देर तक चलेगी, तो हम ज़्यादा देर तक इस्तेमाल कर सकते एक बार चार्ज में। हम देख सकते हो दोस्तों, ग्लू गन से अच्छे से जोड़ लेते हैं ताकि पानी लीकेज ना हो यहाँ से। वैसे तो वैसे भी नहीं होने था क्योंकि हमने टाइट लगाया था, फिर भी सेफ्टी के लिए लगा देते हैं। अब दोस्तों इसको यहाँ ग्लू गन्स की सहायता से हम यहाँ पे अच्छे से चिपका देते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों, हम यहाँ पे ग्लू गन लगा रहे हैं। इसके ऊपर चार जगह पे ग्लू गन लगा के अच्छे से हम इसको चिपका देंगे डब्बे के साथ में। देख सकते हैं दोस्तों, चारों साइड अब इसको अच्छे से जोड़ देते ताकि कहीं से छूट ना जाए, चारों पास से अच्छे से चिपका देते हैं चारों तरफ से। थोड़ा पाइप में भी जोड़ देते हैं ताकि पाइप भी हिले तो वहाँ से लीकेज ना हो। अब दोस्तों ये देख सकते हो हमारे पास ये जो स्विच था, पुश स्विच हम मोटर के साथ लगा रहे हैं। जो हमारा पंप है उसके साथ हमने स्विच को अच्छे से फिर जो ग्लू गन है उसके जोड़ दिए हमने। अब दोस्तों इसको अच्छे से हम इधर ग्लू गन लगा के हमने जोड़ दिया। अब ये देख सकते हो दोस्तों, अब इसमें हम अभी देखिए अच्छे से ऐसे ग्रिप है ना, ऐसे हम पुश करके इसको हम आसानी से जब जब दबाएंगे तब तब इधर से पानी निकलेगा। देख सकते हो अब नीचे हम पाइप लगाते हैं। अब दोस्तों ये तार है तो हम इस तार को लगाएंगे। अब देख सकते हो दोस्तों, हम ना जो पाइप है उसके साथ तार को टेप लगा दे रहे हैं अच्छे से थोड़े थोड़े दूरी पे। दोस्तों देख सकते हैं हमने पूरी टेप लगा दी अच्छे से। देख सकते हो दोस्तों, अब हम इस चीज़ को जो फालतू है इसको हम कट कर देंगे। और अब देख सकते हो दोस्तों, इधर हमने ब्लैक और रेड में हमने जोड़ दिया है। तो ब्लैक वाले पे हमने वाइट तार लगाया और रेड वाले पे तार लगा दिया है। अब देख सकते हो, देख सकते हो दोस्तों दोनों एक साथ हो गया। अब हम इस चीज़ को आसानी से बैग में भी डाल सकते हैं और अगर हमने पीठ पे चाहे तो हम अब इसमें बेल्ट लगा के हम पीछे भी लटका सकते हैं। अब देख सकते हो दोस्तों, तो अपना ब्लैक और रेड वायर देख के लगाएंगे। और ये देख सकते हो पाइप, इसमें हम गर्म करके इसमें लगाते हैं क्योंकि थोड़ी पाइप की सुराख पतली है। आप देख सकते हो हॉट गन से इसको हम गर्म कर रहे हैं।
आसानी से गर्म हो गया, आप देख सकते हो दोस्तों इसमें लग जाएगी। ये दोस्तों हमने लगा लिया है और हम उसकी वायरिंग कर रहे हैं। दोस्तों देख सकते हो वायरिंग कर रहे हैं हम, तो दोस्तों देख के वायरिंग करेंगे। आप ये देख सकते हो हमने जोर अच्छे से टेप ओप लगा दिया, फिनिश कर दिए हैं दोस्तों। आप ये देख सकते हो अब अच्छे से हाथ में ग्रिप, आप ये देख सकते हो दोस्तों हवा भी निकल रही है। आप देख सकते हो इसकी कितनी अच्छी प्रेशर है, चालू करते ही सुन सकते हो। देखिए हेलो दोस्तों, जैसे आप ये देख सकते हो हमने 12 वोल्ट की बैटरी लगा रखा पानी, और ये जो देख सकते हो आप मोटर है ले सकते हो, तो ये जब मोटर हम यहाँ से स्विच पुश करेंगे तो ये चलेगा। तो आइए हम आपको पानी भर के दिखाते हैं जिसकी प्रेशर कितने दूर। तो दोस्तों जैसे देख सकते हो कि हमने बैग में लगा लिया उसको बोतल को, और आप ये देख सकते हो मोटर है, तो हमने किस तरह इस्तेमाल करना है ये देख सकते हो इस तरह। कितने दूर तक प्रेशर है